सुनो, इसके पैसे कौन देगा? हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम मौजूद हैं चैनल 3 के हवाले से इंटरव्यू लेने के लिए मौजूद हैं, और आज हमारे साथ दो स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं हमारे साथ। आइए इनसे चलकर बात करेंगे, और आपको जो है इनके हवाले से जब आप देखेंगे इनको आप भी खुश होंगे। आप सब देखते हैं इन्हें टीवी पे, आइए इनसे बात करते हैं चल के। अस्सलाम वालेकुम जी। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मिस्टर पाक बीन मौजूद हैं, प्लस हमारे साथ मौजूद हैं आमिर भाई बशकर रैना की और आयशा मौजूद हैं यहाँ पे, इनसे चल के बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सलाम जी। तो आसिफ भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक ठाक। और आज आप जो है आप मौजूद हैं चैनल 3 के ऊपर, आप क्या कहना चाहेंगे? जो है आपने आज हमारे साथ शूट किया, हमने आपको अचानक से आगे कैप्चर किया, और आमिर भाई जो है हमारे, इन्होंने जो है आपको एक सारे फनी प्रैंक किया, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे नहीं, इस बात का तो नहीं पता था। बड़ा ये मुझे दो दिन पहले कहा गया कि यार इस तरह की शूट है, तो मैंने बोला चलो ठीक है। लेकिन ये कि बड़ा फिर इसके बाद आमिर भाई की एक शरारत है ना जी, तो ये पूरे मेकल तो पूरे मुल्क में नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर में ये मशहूर है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान से ज़्यादा मेरे ख्याल से इंडिया भी देखा जाता है, और इंडिया के अंदर में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है। तो बहरहाल ये कि मैं अपना कैरेक्टर करता हूँ मिस्टर पाक बीन के नाम से, और आमिर भाई का माशाल्लाह, तो माशाल्लाह ये कि बड़ा अच्छा है। और एक तो इनकी मेहनत है, उसमें कोई शक नहीं है। एक ये और इनकी जो पिटाई होती है, पता नहीं इनकी पता नहीं बॉडी क्या है, मेरी समझ से तो बाहर आता रहे कि लोहा है क्या चीज़ है, मुझे समझ में नहीं आती। इतनी पिटाई होती है, फिर भी इसके बाद भी आमिर भाई समझने के लिए तैयार नहीं है और सुधरने के लिए तैयार नहीं है। तो बहरहाल ये इनका हक है, बच के रहने को विज़िट करें और इनको सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि ये माशाल्लाह बड़े फेवरेट और वेरी लवली आर्टिस्ट हैं। और ये हमारा हक है कि इनको सपोर्ट करें, और ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि ऐसे आर्टिस्टों को सपोर्ट करना चाहिए और इनका साथ देना चाहिए। और इनकी क्लिप में क्या साथ में मेरे, बल्कि हमें साथ क्या देना, इनका काम खुद ही समझाता है कि ये क्या कैरेक्टर है, हम क्या साथ देंगे। एक बात है, ये खुद ही मनवाते हैं अपना लोहा कि ये किस तरह का कैरेक्टर करते हैं। शायद पाकिस्तान के अंदर में इस तरह का कैरेक्टर, इसी बात है पाकिस्तान में तो दूर की बात है, मैं तो कहता हूँ मैं तो वर्ल्ड में घूमता रहता हूँ, अभी तक 12 कंट्री और 15 कंट्री के करीब मैं विजिट कर चुका हूँ, वहाँ पर भी इस तरह का कैरेक्टर मैंने नहीं देखा है कि इतनी पिटाई होने के बाद, इतना तकलीफ उठाने के बाद कि फिर भी आदमी बाज आ जाए या काम छोड़ दे, नहीं, फिर भी अपने काम को लगन के साथ और बड़े ही कहते ना कि हक अदा कर रहा है। वाकई जो सच्चा आर्टिस्ट होता है ना, वो यही होता है आमिर बाबा भाई जी। तो हम आमिर भाई से बात करेंगे, और आमिर भाई से जानेंगे कि उनको जो है मिस्टर पाक बीन के साथ काम करके, आसिफ भाई के साथ काम करके कैसा लगा, आइए उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे आप इनके बारे में? क्या कहूँगा कि आसिफ भाई मेरे साथ हैं, मेरे सामने मिस्टर पाक बीन, इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा नाम अगर सोचा जाए समझा जाए ना, तो इतना बड़ा नाम है मेरे सामने, मेरे सामने। मेरी खुशनसीबी है कि मेरे सामने, और इनके साथ प्रैंक करने का मजा बताऊं बस कितना है। जब इनकी आंखें निकलती हैं ना, और वो मेंढक वाली आंखें जो घूमती हैं, मैं अपने अंदर की हंसी को रोकता हूं कि मैं हंसूं या इनसे लड़ूं, लेकिन क्या करूं, हंसना रोकना पड़ता है, आप लोगों के खातिर इनसे लड़ना पड़ता है, फिर बाद में आप लोगों को हंसाना पड़ता है कि हम आपसे मजाक कर रहे थे। हमारे हर न्यू आइडिया आते रहेंगे, हर न्यू कॉन्सेप्ट आते रहेंगे, हमारा हर कदम आपको हंसाने के लिए, हम आपको हंसाने के लिए आए, आपको हंसा कर ही रहेंगे। और मैं आपसे इतना कहता हूँ, आप सर पाक बीन ऑफिशियल, आप पेज को लाइक करें, यूट्यूब देखें, यूट्यूब पर सर्च करें आसिफ भाई। तो आमिर भाई बहुत बहुत थैंक यू। असल में मैं बहुत छोटा आर्टिस्ट हूँ, असल में ये मैं जिसकी कॉपी करता हूँ वो है मिस्टर रावन हस्किंसन, और मैं उनका तो शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में अपने आप को मनवाया। अब मैं उनकी कॉपी करके मैं कुछ कहता बस हंसाता हूँ, मैं उनकी नकल ही कर सकता हूँ, मैं वो चीज़ तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि बच्चे हो, जवान हो, कोई भी हो, सबको हंसाना हमारा फ़र्ज है। सीधी सी बात है, हम लोग आर्टिस्ट का यही मकसद होता है कि आवाम को, कौम को हंसाएं, लेकिन उनके चेहरों पे मुस्कुराहट लाएं, और हमारा ये मिशन हमेशा जारी रहेगा। बस आप लोगों की सपोर्ट चाहिए आमिर भाई को और मिस्टर पाक बीन को, तो इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान, पूरे वर्ल्ड के अंदर में इंशाल्लाह जरूर छाएंगे, और इंशाल्लाह वो ऐसा काम करके दिखाएंगे कि इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान हमारे पर नाज़। थैंक यू पाकिस्तान, जिंदाबाद, फाइंदाबाद।
बिल्कुल मिस्टर पाकपीन जो है माशाल्लाह जिस तरह से आप एक्टिंग करते हैं, ये एक बड़े एक्टर की जो है आप जिस तरह से आपने कहा कि उनको आप फॉलो करते हैं, उनकी तरह आप रिएक्ट करते हैं, तो ये भी माशाल्लाह आपके जो लोग बहुत पसंद करते हैं पाकिस्तान में, और इसी वजह से शायद हमने सोचा कि आपके साथ प्रैंक किया जाए और आपसे मजाक करके लोगों को महसूस किया जाए। तो आप क्या कहना चाहेंगे, बच के रहना जो हमारी जो बेसिकली चैनल है जो यूट्यूब पर है, अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगे कि हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब क्यों करें आप? देखो, सब्सक्राइब करने की वजूहत होती है, एक होता है ज़बरदस्ती सब्सक्राइब करके बोल देगा भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन वो चीज़ की अहमियत नहीं रहती है। अहमियत रखती है उसकी कला, अहमियत रखती है उसकी आर्ट, ठीक है ना। आप आर्टिस्ट हैं और आर्टिस्ट जो होता है ना, मैं ये समझता हूँ कि सब्सक्राइब करवाते हैं या करते हैं ना हम लोग, तो हम देख के करते हैं कि सब्सक्राइब किस तरह करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। जाहिर है एक आर्टिस्ट है, उसकी एक मेहनत है, अगर वो मेहनत कर रहा है तो हमारा ये हक बनता है कि हम उसको सब्सक्राइब करें, और ये हमारा बिल्कुल दिल से हक बनता है कि आप सब्सक्राइब करेंगे ना, उससे ये आर्टिस्ट का एक हौसला बढ़ता है, ठीक है ना, और इसको और उसको और लगन आती है और उसको और हिम्मत होती है। आप लोगों की वजह से हिम्मत होती है, ऑडियंस की वजह से हिम्मत होती है, पीपल्स की वजह से हिम्मत होती है, ताकि वो अपना काम और मजीद तेज करे और मजीद नए नए आइडियाज लाए और नए नए आइडियाज क्रिएट करे और आप लोगों को हंसाए और आप लोगों को एंजॉय कराए, आप लोगों को एंटरटेनमेंट करवाए। ये हमारा मिशन होता है कि हम आपके इस तरह का हम आपके लिए बारे में सोचते हैं, तो आपको हमारे लिए ये सोचना चाहिए कि अगर हमारा हक है तो आप सब्सक्राइब करें, अगर हमारा हक नहीं है तो हमें ना करें। थैंक यू। और मैं आप लोगों से भी माजरत चाहता हूँ, कोई भी अगर कोई भी बात अगर आपको बुरी लगी हो या आमिर भाई की बात कोई भी बुरी लगी हो तो हम आपसे माजरत चाहते हैं और माफ़ी के तरफगार हैं। हम लोग बहुत गुनहगार इंसान हैं, बस एक छोटे आर्टिस्ट हैं और हमारा जो हक बनता है वो ज़रूर करें। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी वर्स, तो आपको जो थोड़ी बहुत गलतफहमी होगी हमारे चैनल को लेके कि लोग कह रहे थे कि शायद हमारा चैनल कॉपी है इस तरह से, तो माशाल्लाह इन्होंने जो है मिस्टर पाकपीन जो है और आमिर भाई ने जो है वो इस चीज़ को आपको दूर किया होगा। इंशाल्लाह फिर आपसे मिलते हैं चैनल 3 के किसी और सेलेब्रिटी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।